से गए थे यहाँ से, तो 16 मैचेस थे, अब 18 मैचेस हो गए HBL PSL के, दो वॉश आउट हो गए, तो अब 16 मैचेस बाकी रह गए, कैसे देखते हैं? देखा जाए तो जिस दिन मैच नहीं हो पाता बात नहीं होती, मगर आज बहुत सारी बातें क्या और वो डिस्कस करना भी ज़रूरी है। नंबर वन सर, जो वेदर है ना वो मुझे लग रहा है आगे भी जो पिंडी में मैच है ना वो डिस्टर्ब होंगे, उसकी वजह से जो ऊपर जो दो पॉइंट टेबल पर जो टॉप की टीम है वो तो फायदे में रहेंगी, सेफ है, वो सेफ नहीं, उनको एक पॉइंट तो मिल ही रहा है। हाँ। क्योंकि जब आप मैच खेलते हो हारने का भी चांस होता है, भले आपकी जितनी भी अच्छी फॉर्म हो, पहली बात। दूसरी बात सर, जो वेदर मैंने देखा, जो वहाँ सर्दी है, बहुत सर्दी सर्दी है सर, वहाँ पे वो रन्स देखने को नहीं मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे हम प्रोग्राम में, क्योंकि ठंड में बॉल मूव करता है, तनवीर भाई बताएंगे, फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट होती है क्योंकि नमी होती है, और जिस तरह का वेदर आज हमने क्लिप्स में देखा, वीडियो वायरल हुई हैं, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, वो सब दिख रहा था उसमें कि मुझे नहीं लगता कोई अगर मैच होता तो हाई स्कोरिंग गेम होता, ठीक है मुझे ऐसा लगता, और टॉस बहुत वाइटल होगा। चलिए, बहुत तनवीर, सख्त सर्दी और आज बारिश भी हो गई, अब अगर मैचेस जैसे कल तो कराची में, फिर परसों वहाँ जाएंगे तो पिच में नमी भी होगी, आउटफील्ड भी गीली होगी, आज भी बड़ी कोशिश की, देखते हैं कि मज़ा करके रहा हो गया HBL PSL 9 का। देखिए इकबाल भाई, ये तो आपने क्रिकेट के हिसाब से बात की है ना, और खुरम ने वेदर के हिसाब से बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉल मूव भी होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल सही इसने बात बोली है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इतने ठंडे वेदर में पता नहीं बॉडी खुलेगी भी किसी की नहीं खुलेगी, स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो रहती है। लेकिन इससे हटके मैं थोड़ी सी ये बात करूँगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पिंडी में मैंने कुर्सियाँ लगी हुई देखी हैं, ग्राउंड में कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये PSL स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमसे वादे किए, लोगों से वादे किए, जो हम पैसा कमाएंगे वो मैदानों में लगेगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, लगेगा ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, सिर्फ दो स्टेडियम PCB के अपने, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम। देखिए इकबाल भाई, ये जो आपने बात बोली है ना ये बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन बात यह है कि ये तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठती है ना, जिसको नहीं पता वो तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठेगी, लेकिन मुझे पता है, मैं उसके बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि भाई अगर आप इसका मसला हल नहीं करेंगे तो फिर सारी जिंदगी यही होगा, कोई ना कोई आके प्लेयर्स को पकड़ लेगा, उनकी फैमिलियों को पकड़ लेगा, किसको पकड़ लेगा, उसके बाद फिर शोर मचता रहेगा। क्यों पकड़ेगा? बात ये ग्राउंड के अंदर आकर जाहिर सी बात है, जो क्या हुआ है मोहम्मद आमिर के साथ हुआ, मुइन भाई के साथ हुआ, उमर अमीन के साथ हुआ, मतलब आप उसको उस एंगल से लेना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने उसकी वजह है, फैमिलीज को हटवाया वहां से, नहीं उसकी वजह है, क्योंकि अगर ये क्रिकेट बोर्ड के हाथ में होता तो क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता है कि लोग अपनी जो ये क्रिकेट स्टेडियम में कुछ नहीं होता है, नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों को क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता है कि ये प्लेयर्स की जगह है। दूसरी बात ये कि भाई मुझे ये बताएं, आपके पास टोटल 4 तो ग्राउंड है जिसपे PSL के आप मैचेस करवाते हैं, हैं एबटाबाद आपके पास, हैदराबाद आपके पास, गुजरांवाला आपके पास, सियालकोट आपके पास, उनकी हालत देखी है आपने, पिशावर पे काम हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्रिकेट बोर्ड का सर, कब ये चीजें ठीक होंगी, कब तक, जब से ये मुल्क बना है, जब से क्रिकेट हो रही है, आप मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इन चीजों पे आप पैसा खर्च नहीं करते, क्रिकेट बोर्ड वाले अब खुर्रम मशवरा करेंगे, तनवीर ने बात मेरे से मशवरा करें ना करें, मेरे से मशवरा करें ना करें, मैं एज अ टेस्ट प्लेयर या खुरम एज अ टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान प्लेयर सर, हमारा हक है इनसे बात करना, इनसे पूछना। जिस तरह इसने बात की तनवीर ने, हैदराबाद के ग्राउंड की हालत बुरी है, सिंध गवर्नमेंट जो है सिंध प्रीमियर लीग तो कराते हैं लेकिन हैदराबाद के स्टेडियम पे तवज्जो नहीं दी जाती, इतने पैसे होते हैं, क्या हवाले कुछ भी है, लेकिन आप सिंध प्रीमियर लीग तो सिंध गवर्नमेंट करा रही थी ना, तो भाई पैसे जो मिल रहे हैं वहाँ, गुजरांवाला की क्या हालत है, सियालकोट के स्टेडियम की क्या हालत है, 89 में सियालकोट में टेस्ट मैच भी हुआ जब इंडिया की टीम आई, और बाकी फैसलाबाद की क्या हालत है, बिल्कुल पिंडी जैसा माहौल है फैसलाबाद में, इसलिए मैच नहीं कराते, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें, आपने IPL में क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बात तनवीर की सही है, लेकिन अब आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ग्राउंड्स की सूरत हाल बेहतर होते हुए देखते हैं?
नहीं करनी भी चाहिए और बहुत हद तक बेहतर हुई भी है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, कजाफी स्टेडियम के दोनों ड्रेसिंग रूम आप जाके देखें, अगर आप ड्रेसिंग रूम का तो कजाफी और नेशनल के अलावा भी तो बाकी जगह मैं उसी जगह आ रहा था। और ये जो भी एक सहानिया हुआ है ये मुल्तान में या आगे जिस तरह का चल रहा है अभी जो हमारे नहीं है बेसिकली, कि जिस तरह आपने मुझे बताया कि स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम जो है वो बोट का है, बाकी तो जो बोट की अपनी प्रॉपर्टी है उस पर इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या करें ताकि कल को कोई इस तरह का मिसहैप ना हो। या पाकिस्तान में दो ही ग्राउंड है यार, एक सोचने वाली बात है, बाकी ग्राउंड भी तो है, क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ कहाँ नहीं होती। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, अगर जो अपने ग्राउंड, मेरा ये मानना है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर इतना इन्वेस्ट करके कम से कम ये तो होगा कल को हमें उसका फायदा या पे बैक तो होगा। जिस तरह पिशावर का भी ग्राउंड है, अब वल्ला आला मुझे नहीं पता वो पीसीबी का है या वो भी किसी गवर्नमेंट, पिशावर गवर्नमेंट बना रही है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, अगर ये चीज अपने ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, मैं बोलता हूँ पूरे पाकिस्तान के चंद खूबसूरत ग्राउंडों में से मेरे ख्याल से एक ग्राउंड है वो मुल्तान सर, बहुत खूबसूरत मुल्तान भी हुकूमत की है उसमें, यही मैं बोल रहा हूँ ना, अब वो चीज बोर्ड को सोचनी पड़ेगी या फिर ऐसी जो बिफोर टूर्नामेंट जो मुआहदे होते हैं उसमें फिर ये मिसहैप नहीं होना चाहिए कि कोई आके किसी को बिठवा। आप इस पे एक चीज ऐड करता हूँ, किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड फिर है? दो ग्राउंड पे हीरो बना हुआ है, हीरो तो भी बना, कब दो ग्राउंड हीरो बना हुआ सिर्फ कहता है मुल्तान इनके पास नहीं, पिशावर इनके पास नहीं और स्टेडियम इनके पास नहीं, तो 1948 शराबा किस चीज का, भरम किस चीज के, ये तो 1948 से हो रहा है ना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना था। मेरा सिर्फ कहने का सर, जब हुआ मैं कह रहा हूँ कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती, जब ये चीजें उस टाइम नहीं थी तो उसके बाद आप अपनी तरफ लाओ ना चीजें, क्यों नहीं ला सकते आप? आप कुछ सिस्टम करो, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैंने सबका अपना अपना एक सिस्टम है सारा। आईपीएल का बताया कि क्या ग्राउंड्स हैं वहां पर छोटे छोटे शहरों के। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात की है, इन ग्राउंडों में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी लाहौर और कराची? और सर क्या बात कर रहे हैं यार, ना इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो भाई कोच आए अभी तक, 2008 में भी T20 आपका पास में आने वाला है, क्या कर रहे हैं ये लोग? 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर, 2008 में 2024 चल रहा है कुछ भी है, 2008 में इंडिया के ग्राउंड में ही थे, अब आप 2024 में देखें उनके ग्राउंड्स देखें। आगे चलते हैं, अब तो खुर्रम अब ये बताइए कि आज के मैचेस जो हैं जब बारिश की नजर हो गए तो अब एडवांटेज किस टीम को ज्यादा होगा? आपने कहा शुरू की टॉप की टीमों को तो है ही एडवांटेज। बिल्कुल सर, मगर अफसोस ये हुआ कि लाहौर अब लाइन से बाहर हो गई, अब बाहर हो गई। अब वो अगर ट्रॉट तीनों मैच भी जीतती है ना तो सात पॉइंट पे टॉप फोर में नहीं आती। हम फोर्थ पोजीशन की बात कर रहे थे, वो उस पे भी एटलीस्ट 8 पॉइंट विद अच्छे एवरेज के साथ, लेकिन अब किस्मत ही है कि वॉश आउट हो गया। तो ये कुदरत का भी थोड़ा अमल दखल है ना, अगर आप कोई चीजें अच्छी करते हैं तो कुदरत मदद करती है, और जहां आप थोड़ा करते हैं तो फिर कुदरत आपके अगेंस्ट थोड़ा क्या किया ये बता दें थोड़ा बता देना आप। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आपने गलत की ना, आपने जो आपने टीम बनाई है ड्राफ्ट में वो आप हम लोग पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, लाहौर की एक बॉलर के चले जाने से इतना डिस्टर्ब हो गया कि आपके पास है ही नहीं, मतलब जो बेंच पे बैठे हैं उनमें भी आप ऑलमोस्ट सारे खिला चुके हैं और टीम वही की वही है। ऐसा हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे कि यार इसकी वजह से हार गए, पूरी टीम की गलत है और उसमें ब्लेम किस पे चले जाता है, शाइन ने ये कर दिया, भाई वो अपनी जगह तो कोशिश तो कर रहा है ना। लेकिन जो इन्होंने प्लेयर की बात की, इन्होंने कहा ना प्लेयर सही, कैरोन पोलार्ड चला गया शादी में शिरकत के लिए मुकेश अंबानी की, और उसने डेफिनेटली पैसे दिए होंगे, मुकेश अंबानी ने $50 करोड़ उसने खर्च किए अपने बेटे की शादी पर, और एक बड़ी मशहूर गुलकारा भी वहां आई, बहुत टॉप की सेलिब्रिटीज आई है, तो उसके जाने से नुकसान होगा कराची किंग्स को? बिल्कुल नुकसान होगा, एक ही तो प्लेयर रन कर रहा है सिर्फ, बाकी तो कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं काफी लोगों से मैंने सुना ना अभी शो में आने से पहले गपशप हुई, यार ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेंचाइजीज ने उसको परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया है? ओ भाई बात सुने, बात ये है कि वो जिस फ्रेंचाइज के साथ वो है वो वहां पे जाएगा, ऐसी इतना कोई बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, वो फ्रेंचाइज इजाजत देती है क्या? ऐसी बात है, आप उसको रोके वो छोड़ के चला जाएगा, वो सिर्फ भाई यहाँ इन मैं PSL के अलावा भी और लीग में ये लोग सिर्फ खेलने आते हैं भाई, उनका जो सिलसिला है सही ठीक ठाक किस्म का वो IPL से चल रहा है, अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे वो नहीं रुकता वो चला जाता। दूसरी बात ये
लाजमी सी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कोई ऐसी चीजें हुई होंगी कि उसने बोला होगा जाने का, लेकिन अगर ऑन टाइम भी अगर उसने बोला होगा जाने का फिर भी मैं नहीं समझता उसको रोकना चाहिए था। किसी भी फ्रेंचाइज में होता वो उसको परमिशन दे देते। आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे किसी बंदे को अभी दो मिनट पहले फोन आ जाए वो तो ऐसे भागता हुआ जाएगा, ओहो मुझे शादी में बुला लिया, मुझे शादी में बुला। सर कैसे सर बात सुने सर, इधर छालिया की ऐड भी छोड़ता कोई तो वहां जा। आप आगे चलते हैं खुर्रम, अब जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल तो हो गई, मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफाई कर गई है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी आप समझते हैं क्वालिफाई कर गई, ये दोनों तो क्वालिफाई कर गए सर। इनके आपस में जंग जो है ना मुल्तान और क्वेटा की, ये टॉप टू के लिए खेल लिए कि जो भी वो मैच जीते और सीधा फाइनल में जाए। लेकिन पिशावर और इस्लामाबाद के चांसेस हैं और कराची। सर पिशावर बहुत जबरदस्त उन्होंने अपना कमबैक किया है, जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है, बाबर ने दो मैचों में लास्ट दोनों मैचों में कप्तानी भी बहुत अच्छी की है, प्लेयरों ने उसका वो बोलते नहीं है उसका जिस तरह सपोर्ट की है, बॉलर हो फील्डर हो फिर जिस तरह वो पार्टनरशिप कर ली है। कहां देखते हैं सर कराची? मैं स्टिल बोल रहा हूँ टीम अच्छी है, अगर ये प्लेइंग इलेवन लास्ट मैच में प्लेइंग इलेवन बहुत अच्छी थी मगर मुझे तो, ऐसा लगा वो तो अगर स्टमक अपसेट नहीं होते वायरल। अरे सर ये तो कुछ सोचना, एक मिसाल दे रहा सर, मैं भी प्लेयर हूँ, ये भी प्लेयर थे, एक बात है हमें कोई जान मतलब खेल नहीं रहे ना, मैं खेल रहा हूँ इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मेरे को कोई बोलेगा ना मुझे पता है किस चीज से खा के मेरी तबीयत खराब होगी। अब जेम्स रोजाना बिरयानी नहीं खाता अपनी अम्मा के हाथ की, वो स्टेक खाता है, बॉयल्ड वेजिटेबल खाता है, ये देसी लोग हैं, देसी लोगों के खाने तो ये होटल में खा रहे होंगे कि कहीं जाके बाहर कहीं दावत में खा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा 16 के 16 का पेट खराब हो गया, कहीं ये दावत में काम हुआ है कोई। अच्छा। वो जो सबको लड़ा है कोई, देखें किसी ने गलत चीज नहीं दी होगी, आपको डाइजेस्ट नहीं हुई। लेकिन फ्रेंचाइज वाले तंगीर दावत पे बुलाते हैं ना, जब आप 2016 में गए थे क्वेटा की तरफ से एज अ गेस्ट तो वहाँ टीम को बुलाते थे ना डिनर विनर पे? नहीं बुलाते थे लेकिन मैं होटल में नहीं ठहरा हुआ था। लेते होंगे मैं होटल में नहीं था, बताया बताया नहीं, टीमों के डिनर होते हैं। और भाई मुझे याद है सलमान इकबाल ने दुबई में अपने घर पे डिनर सबको, बेल के पास फरारी थी, लैम्बोर्गिनी थी, बड़ी गाड़ियां थी। इसमें खुर्रम एक चीज ऐड कर, देखो मुझे पता क्या लगता है, ये जिस तरह ये बिरयानी की बात हो रही है या ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मेरा बिरयानी का कहने का मतलब हमारा अपना जो देसी खाना। देखिए इस देसी खाने से ना ये इंग्लिश प्लेयर जितने भी है ना ये यूज टू हो चुके हैं, ये उधर आईपीएल में वेल उधर भी जाके सब कुछ करते होंगे। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये बिरयानी ये न्यारी ये हलीम ये कढ़ाइयां उससे नहीं हुआ है, उससे किसी ना किसी दो दो तीन बंदे का पेट खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा गैस है शायद गलत हो, ये सी फूड कोई खाया है इन्होंने जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का पेट खराब हो गया है, डायरिया हुआ है डायरिया। इस पे बात करेंगे, अभी तो एक वो उनका लिपॉय जो है वो अभी तक ठीक नहीं।